चार्जेस लगते हैं। हाँ वो तो है, बिना चार्जेस के तो कुछ नहीं है। जगह पर चलाने की प्रैक्टिस है। मैं वही टैक्सी वाले को कह रहा था, मैं कहा मैं अपनी वाली गाड़ी ले आता हूँ तो वैसे ही इतनी नीची है पूरी टूट जाती। कौन सी है? मेरी वरना, उसमें तो पॉसिबल ही नहीं। कोई नहीं यार, कुछ नहीं होता। अरे चलो, कुछ नहीं होता, कितनी भी फॉर्मेलिटी की कोई बनी है। कसौली में मैं आ गया हूँ और ये घड़कल जगह है, उसके पास मैंने एक ही कॉटेजेस लिए हैं। इसका नाम है जी गांव, कसौली जी गांव करके। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मज़ेदार, मतलब ऐसा है जैसे गांव में होता ना, जस्ट लाइक दैट। बहुत ही मज़ा आया मुझे। मैं इसको आपको प्रॉपर दिखाता हूँ, अभी आने वाले शॉर्ट्स में आपको दिखेगा। थोड़ा सांस चढ़ाओ, बहुत ऊपर ही चाहिए। ये एंटर करते ही सबसे पहले हमारा लेफ्ट साइड में बाथरूम आता है। उससे पहले आप ये देखो, प्रॉपर जैसे वो गोबर से होता है ना, ये लेप किया हुआ है, और प्रॉपर ये पुराने मतलब गांव और पुराने जो डिज़ाइन होते हैं वैसे है। ये हमारा बाथरूम है, बिल्कुल इसी मतलब रस्टिक से स्टाइल का, गांव स्टाइल जो मर्जी कह लो। इस तरह इसकी छत है। ये हमारा बाथरूम है, टॉयलेट सीट वगैरह, तो ये सारा है। बहुत अच्छा लगा मुझे। बाकी सामने देखो सिंक जो है, वॉश बेसिन, सॉरी मैं हमेशा वॉश बेसिन को सिंक बोल देता हूँ। एनी हो, ये हमारी कबर्ड है। हाँ, ये हमारी कबर्ड होगी, और ये हमारा रूम है। कितना सुंदर रूम है देखो, प्रॉपर जैसे गांव वाली फीलिंग होती है, बिल्कुल वैसे है। साइड में यहाँ वॉल पे ऐसे डिज़ाइन भी बना हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है। लाइट्स लगी हुई हैं बहुत ही अच्छी, और ये देखो आप कितना अच्छा लग रहा है। मेरे को तो ऐसे ही पसंद है, ऐसा ही इंटीरियर होना चाहिए घर का, पुराने स्टाइल में। बहुत ही सुंदर है, मैं तो मतलब आपको क्या बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। और ये आगे का व्यू देखो, और जो मुझे रूम मिला वो बिल्कुल ही अलग है सारों से लोकेशन वाइज। और सामने देखो कितना सुंदर है। इस वक्त मेरे ख्याल से मैं हूँ यहाँ पे, और शायद एक या दो रूम में और हैं। तो अभी देखो कितना सुंदर है, कितना बढ़िया है। कोई एसी नहीं है इस रूम में, बट ये फ़ैन दिया हुआ है, एनफ है। और यहाँ पे देखिए राइटिंग डेस्क भी बना हुआ है, और कितनी सुंदर चेयर है। पहले आती थी, हमने तो तोड़ तोड़ के फेंक दी, तभी इसका वो कहते हैं ना इम्पोर्टेंस ही नहीं समझा। यहाँ पे इस तरह से विंडो है एक, और ये से झरोके से बने हुए हैं। ये हमारा मेन्यू हो गया, तो मैं इसका लिंक भी आपको नीचे दूंगा, इफ़ यू वांट टू कम आप यहाँ आ सकते हो। कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है ये, मैंने खुद पैसे पे किए हैं। अभी ऑफ सीज़न है, आज 9 सितंबर है, तो जो मुझे यहाँ पे ऑफ़र मिला है वो 3 नाइट्स का है, मतलब 9, 10, 11 सितंबर, और विद ब्रेकफास्ट है 3 दिन का। एंड मुझे यहाँ पे टोटल 12,000 रुपीज़ पड़ा है, तो है तो थोड़ा ज़्यादा, मगर ये व्यू और ये खुशी ये कहीं और नहीं मिलने वाली। कहीं गाँव में कहीं घर लेता तो होता। रास्ता बहुत ख़राब है आने का, बट अदरवाइज दिस इज़ फैंटास्टिक। विंडो सीट है यहाँ पे, आराम से हम बैठ के लैपटॉप पे काम करो, चाय पियो, कुछ भी करो, मज़ेदार, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। अभी तो मैं 2-3 दिन हूँ यहाँ पे, यही रहूँगा। मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया। मैं तो अपनी लाइफ में कुछ इसी तरह का घर चाहता हूँ, ऐसे ही हो कहीं पे, शहर से दूर भी ना हो, एटलीस्ट सामान मिले। अब सारी उम्र शहर में रहे हैं तो वो भी ज़रूरी है ना, तो यही चीज़ ही चाहता था, वो मुझे मिल गई है। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी, और
मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरे 3 दिन बहुत अच्छे जाएंगे। कोशिश करूंगा कि मैं कहीं आगे भी घूमने जाऊं, बट इसको तो मिस नहीं करूंगा, 3 दिन तो पक्का है यहाँ पे। अब जो चीज़ बड़ी मुश्किल से मिली हो और बहुत ख्वाहिश हो जिस चीज़ की, उसको तो पूरा एंजॉय करना चाहिए। तो अब आए हो तो इसको पूरा एंजॉय करके ही जाओ। अभी जो रूम है ना, इसमें सबसे बेस्ट चीज़ ये है, अभी तो खैर मैंने सामने से नीचे कर दिया क्योंकि मैं अब रेस्ट कर रहा हूँ, थक गया काफ़ी चल रहा हूँ। तो ये इसमें बेस्ट ये है कि इसमें टीवी नहीं है। अब ऐसी जगह आके भी अगर टीवी चलाना है, देखना है, तो फिर क्या फ़ायदा। वैसे भी मैं टीवी देखता नहीं, टीवी अगर मैं कुछ देखता भी हूँ तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब देखता हूँ और कुछ नहीं। या कभी कोई मूवी देखी तो वो मैं इधर हूँ, शीशे में दिख रहा है, दिख रहा है हल्का सा दिख रहा है, तो एनी हाउ तो वो है। बाकी मैं वो देखो अपना लैपटॉप तो लेके आया हूँ, मैं वीडियोस बना के यहीं से डालने की कोशिश करूँगा, बाकी देखते हैं। जो मैंने खाना ऑर्डर किया था वो आ गया है। मैंने खाने में जो मंगाया मैं आपको दिखाता हूँ। खाने में मैंने ऑर्डर किया है एक तो राइस, काफ़ी सारे हैं, मुझे लगा था कम होएंगे, राइस है। और दूसरा हिमाचल की स्पेशल ये है चना मदरा, ये वो है। मेरे को ये पहली बार मैं खाने लगा हूँ, पता नहीं कैसा होता है ये, आई डोंट नो। तो टेस्ट करता हूँ मैं, फिर बताता हूँ आपको कैसा है। फर्स्ट टाइम खाने लगा हूँ ये, देखो टेस्ट तो इसका चने जैसा ही है, उसमें कोई शक नहीं है, मगर इसके अंदर लाइक आई थिंक शायद दही डला हुआ है समथिंग, आई डोंट नो। ये इसका टेक्सचर है तो अच्छा, नाइस। सुना ही था आज तक, खाने का मौका आज पहली बार मिला। काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है, मुझे लगा था कम होगी, बट काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है। इनका मेन्यू जो है ना वो पूरा हिंदी में लिखा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। और साथ में प्याज भी आए हैं ना, यहाँ पे खाते हैं, इधर आएगा मज़ा खाने में, उधर क्या आना मज़ा। इसको ऊपर कर लेता हूँ मैं, ये थोड़ा सा ना यहाँ से ख़राब है, देखो थोड़ी धूप आ गई है, अभी मौसम चेंज होता रहता है तो धूप फैला है, मगर उसमें बैठ के खाना खाने में तो मज़ा ही आएगा। वाह क्या व्यू है ये सब चीज़ों के लिए तो मैं आया हूँ यहाँ पे। अभी तो 3:47 हुए हैं, कितना बढ़िया मौसम है। अभी मुझे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, थक गया हूँ मैं, इतनी आदत नहीं ना चलने की। तो एनी हाउ ये देखो व्यू वही है बाहर का, अभी भी वैसे ही मज़ेदार। को मैं अपने इस होटल के रूम को, मतलब कॉटेज को लॉक लगाने लगा हूँ, तो ऊपर से ये कड़ी लगेगी इस तरह से, उसके बाद ये लॉक लगेगा। ये लॉक लगाया अब बड़ा मुश्किल है, खींच के लगाना पड़ा इसको मैंने जा रहा हूँ रेस्टोरेंट में, जा रहा हूँ चाय कॉफ़ी कुछ पीने के लिए, देखते हैं। शाम को 5:45 का टाइम हो गया, अभी धूप तो है दूर पर वैसे ठीक है मौसम, चलना बड़ा पड़ता है यहाँ पे। अच्छा मेरे रूम के बाहर ऐसे पेंटिंग भी है, गुड। ये रूफ टॉप रेस्टोरेंट है इनका, और भी नीचे से आए हैं, और ये सामने का व्यू ब्यूटीफुल। वो दूर कसौली ही होगा, थैंक यू जी।
ये मेन्यू जो मैं आपको कह रहा था पहले। इसकी स्पेशलिटी ये है कि सफ़ेद नहीं लिखा हुआ। ये वही कॉटेजेस हैं जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। बहुत दूर है वो। इतना दूर इस सब के लिए ना वो ठीक है। S23 Ultra 4 भी चलो कंपेरेटिवली। हम पॉइंट को ढूंढते हैं और ये इतने लगे और फिर से यहीं से जाते हैं। देखूंगा मैं लेके जाऊंगा वैसे है ना। पहाड़ों में रहना चाहता हूँ पर इतना अभी थी। ये देखो कितने अलग ही मतलब बिल्कुल रह रहे हैं, बिल्कुल ही अलग सबसे। कितना मुश्किल है। दूर बादल आने शुरू हो गए हैं, बारिश होगी। इस साइड आके तो अभी नहीं है, इस साइड तो आने लग गए, पीछे भी हैं उस साइड में। ये ना फ़ोन के कैमरा में प्रॉपर नहीं दिख रहा एक्चुअली। ऐसा ऑलमोस्ट ऐसा है और पूरा धुंध की तरह है इसमें, वैसा नहीं दिखाई दे रहा ऐसे एक्चुअली। ये जिस तरह से है ऊपर चलते हैं।
रूम की तरफ जा रहा हूँ मैं अपने अभी। मेरा रूम इधर ये ऊपर ये वाला है। ये वाले पत्थर वहाँ कहीं मिले नहीं, यहाँ पड़े अब लेके नहीं जा सकते पर यहाँ से। कोई बात नहीं, मैं इनको उनसे पता करूँगा, अगर मिल गए ना तो वो तो लेके जाऊँगा। ये भी अच्छा लग रहा है, बाकी व्यू देखो। होने साथ हुए हैं, अभी बारिश आएगी शायद। ये अपना रूम है, ये चीज़ कितनी सुंदर है। ये मैंने पक्का करनी है अपने घर में जब भी कर पाया। क्या मज़ेदार है भाई ऐसा है ना ये लाइफ जो है, मुश्किल तो है इस तरह से रहना। कहने का कि ऐसे गांव में और इस तरह से घर पे रहना मुश्किल तो है पर मज़ा भी बहुत है। कितना सुंदर लगता है ये सब, हेवनली। करेंगे कर पाए तो। ऐसी इवनिंग किसको नहीं चाहिए। ब्यूटीफुल। चलो जी, अब रूम में तो आ ही गया हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा वीडियो एडिट कर लेता हूँ। लैपटॉप मेरे पास है, अब लैपटॉप तो लेके ही आया हूँ तो वीडियो एडिट कर लेता हूँ और यहीं से अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। वाईफाई कह रहे हैं है यहाँ पे, बट अभी मैंने चला के देखा तो चला नहीं। बाकी ये देखो ये डिज़ाइन, ये सब कभी बाई चांस मैंने कभी अपना बनाया ना अगर फार्म हाउस तो उसमें ये सब भी होने वाला है। ऐसे ही बनाऊँगा अगर बना पाया कभी तो। एनी हाउ अब लैपटॉप को निकालते हैं और शुरू करें। मेरा मैकबुक एयर, बाकी मैंने जैसे बताया था कमरे में एसी नहीं है, फ़ैन दिया हुआ और अभी थोड़ी सी गर्मी लग रही है तो अब एसी की ना ज़रूरत महसूस हो रही है। बट कोई बात नहीं, मैं फ़ैन चलाता हूँ। ये फ़ैन का स्विच ये रहा देखो, बिल्कुल पुराने ज़माने वाले वैसा स्विच है, ये जैसे होते थे ना पहले इस तरह के। आजकल तो मिलते भी नहीं, विंटेज है, बट जो भी है बढ़िया है। तो फ़ैन चलाते हैं और अपना काम करने लगते हैं। टेबल पे बैठ जाता हूँ, वो ज़्यादा सही है। ये बड़ी जो चेयर है इसी पे, इतनी लाइट वेट है, स्ट्रॉन्ग बड़ी होती है चेयर्स। पहले टाइम में ऐसी बहुत होती थी, जैसे मैंने आपको बताया हमने कदर ही नहीं करी कभी इसकी। एनी हाउ चलो भाई शुरू करें। पहले तो इसको यहाँ रखूँ, मैं को कहीं और रख लेता हूँ, यहाँ टेबल पे रख लेता हूँ इधर कॉर्नर में, ये सुंदर सी लाइट के यहाँ झरोखा। बाकी टिश्यूज आके मेरी कॉम जो मैं लाया हूँ, अरे मेरी हार्ड डिस्क है, इसको भी यहाँ रख लूँ। अपना औजार चश्मा और ये मैंने यहाँ रखा, ये मैंने यहाँ रखने से पहले इधर चेक कर लूँ पानी वानी तो नहीं है ना। नहीं है भाई नहीं, ज़रूरी है। पहले वाला लैपटॉप ऐसे ही खराब हुआ था। ठीक है चलो शुरू करते हैं। ये चीज़ पता नहीं क्या लगाई है, वुड का है पर मालूम नहीं क्या है। यहाँ पे ना ये लाइट जल नहीं रही, मैंने स्विच ऑन किया था बट जल नहीं रही। बाकी चलो कोई बात नहीं, पानी ले लेता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना तो मुश्किल है। पता नहीं कौन सी कंपनी है, रोहतांग समथिंग। ऐसे ही लुक है यहाँ पे भी, होटल्स वगैरह के ना वाईफाई बस ऐसे ही होते हैं। कनेक्ट तो किया है पर स्पीड ही नहीं आ रही, मैं फिर भी दोबारा चेक कर लेता हूँ एक बार ही। ना नो स्पीड ना भाई, ना चल रहा है पर बहुत स्लो है। एक और भी एक कनेक्शन इनका दिखा रहा था,
घर आ जाए तो नहीं नहीं चलेगा, अब मेरे को अपना फ़ोन का ही करना पड़ेगा। खैर मैंने तो अभी कुछ करना भी नहीं, मैंने तो एडिट ही करनी है, मैं तो भूल गया था। 8:30 बज गए हैं और मैं ये व्लॉग को, आज के व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। ये देखो रात हो गई है ना, तो इस व्लॉग को आज यहीं ख़त्म करते हैं। कल वाले व्लॉग में फिर आपसे मिलेंगे, अभी के लिए बंद करते हैं। वो दूर लाइट्स दिख रही हैं हल्की हल्की। एनी हाउ, तो जैसे मैं कह रहा था, इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं और कल के व्लॉग में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।